कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि जो लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और उसके बाद उन्हें कोरोना हुआ है तो अब उन्हें ठीक होने के 3 महीने बाद दूसरी वैक्सीन लग सकेगी। इसके अलावा गाइडलाइंस में कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं, जैसे वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं। प्रफुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रफुल, ये जो नई गाइडलाइंस आई है इसमें से 3 गाइडलाइंस हमने बताई है, और क्या कुछ है इन गाइडलाइंस में? देखिए, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मौजूदा हालात हैं और जो अभी साक्ष्य जमा हुए हैं, डेटा जमा हुआ है, उसके आधार पर कुछ सिफारिशें की थी, जिसमें सबसे पहला ये था कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाए तो उसके ठीक होने के 3 महीने बाद भी उसको वैक्सीनेशन किया जा सकता है, यानी उसका जो पहला टीकाकरण है, या अगर वो संक्रमित हो चुका है पहले टीके के बाद तो दूसरा टीका जो है वो भी 3 महीने बाद लिया जाएगा। इसके अलावा जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं वो भी वैक्सीनेशन ले सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है किसी और बीमारी से, ना सिर्फ कोरोना के अलावा किसी बीमारी से वो अस्पताल में एडमिट था, तो उसे 4 से 8 हफ्ते बाद कोरोना की वैक्सीन दी जा सकती है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ स्पष्ट की गई है कि अगर किसी ने प्लाज्मा किसी को चढ़ाया गया है इस दौरान, जो पिछले बीमारी में उसको चढ़ाया गया था, तो उसके लिए भी थोड़ा उसको इंतजार करना पड़ेगा और उसके 3 महीने बाद, यानी ठीक होने के, डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद उन्हें वैक्सीन की डोज दी जा सकेगी। जी। इसके अलावा अगर कोई संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है, या तो वो नेगेटिव आ जाए या फिर उसको 3 महीना उसके जा चुका हो ठीक होके, तो बहुत अहम रिकमेंडेशंस की गई हैं और ये रिकमेंडेशन जो है ये मौजूदा हालात और जो डेटा अभी तक इकट्ठा हुआ है उसके आधार पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल इस पूरी जानकारी के लिए।